हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सट्रैक्ट ऑफ मुसब्बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जेके रिवेन्यू की एक सर्विस है जिसमें आप अपने लैंड रिकॉर्ड्स की जो मुसब्बी होती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जेके रिवेन्यू की आज जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैक्सिमम वीडियोज जो भी रिमेनिंग बची हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो सिंपली आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और गूगल पे सर्च करना होगा jkrevenue.nic.in पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ये वेबसाइट शो होगी। आपको सिंपली अप्लाई फॉर रिवेन्यू सर्विसेज पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ ईमेल आईडी मोबाइल नंबर कैप्चर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको फिल कर देना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपकी जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी। इस दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लॉगिन के रिगार्डिंग, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सर्विस टाइप, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको शो होंगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे देखना होगा एक्सट्रैक्ट ऑफ मुसब्बी या लट्ठा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देना होगा। नेक्स्ट आपको तहसील को सिलेक्ट कर देना होगा और अप्लाई हेयर पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आते हैं इंस्ट्रक्शंस, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी आप इस सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, तो सिंपली आपको यहाँ पे आधार कार्ड, डोमिसाइल, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप डोमिसाइल, राशन कार्ड या वोटर आई डी कार्ड अपलोड कर सकते हैं। और आपके पास लेटेस्ट कॉपी ऑफ जमाबंदी होनी चाहिए, तो सिंपली ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप सिंपली इस पर क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको नेम फिल कर देना होगा जो भी ओनर है। नेक्स्ट फादर नेम फिल करना होगा, आधार कार्ड अगर आप फिल करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन फिल कर देनी होगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस फिल कर देना होगा, परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा, डिस्ट्रिक्ट तहसील ऑलरेडी सिलेक्ट होगी। नेक्स्ट आपको एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा, रूरल अर्बन जो भी होगा। नेक्स्ट आपको विलेज सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी विलेज रहेगी वो आपको सिलेक्ट करनी होगी, विलेज एरिया सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आपको खेवत, खाता, खसरा, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स, दोनों तीनों नंबर आपके जरूरी हैं। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जेके लैंड रिकॉर्ड्स की, वहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि कैसे आप खेवत, खाता और खसरा नंबर पता कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट है उस पर भी मेंशन होगा आपका खसरा नंबर और बाकी खेवत, खाता सब कुछ मेंशन होता है वहाँ पे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और लेटेस्ट कॉपी ऑफ जमाबंदी। ये अपलोड करने के बाद आपको सिंपली ये कंसेंट देना होगा कि जो भी आपने डिटेल्स ऊपर प्रोवाइड किया वो करेक्ट है। इस पर कंसेंट देने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज आएगा, पेमेंट पेज, आपको सिंपली यहाँ पे पेमेंट कर देनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपको सिंपली आप अपनी माई एप्लीकेशंस में जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस पेंडिंग अप्रूव्ड हुआ या नहीं। इसका 10 डेज का टाइम होता है, 10 डेज में आपको कॉपी मिल जाती है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ मुसब्बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छे से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।